नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशन हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, ओके, एंड उन सभी न्यूज रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, ओके। चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें। एंड वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स तक, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, 1-2 राइट, 1 जुलाई से 15th of July तक मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, 1 जुलाई से 15th of July, ओके। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कल लगभग 110 MCQs हैं, पूरे की पूरे करंट अफेयर रिलेटेड MCQs हैं। इसमें स्टैटिक जीके के भी मिलेगा आपको, बुक्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डेज के बेस पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सारे के सारे आपकी जो बैंकिंग सेक्टर्स में प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो में जरूर मिल जाएंगे, ओके। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। पीडीएफ चाहिए 110 क्वेश्चंस का, बहुत ही अच्छा पीडीएफ मैंने रेडी किया है, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सर हमको चाहिए, ओके। एंड मैं बता दूं, अगर आपने रेगुलर क्लासेस नहीं देखते तो प्लीज़ यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। 100% मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया इस पर्टिकुलर बुक को, ओके, क्योंकि उसमें डेज के बेस क्वेश्चन है, बुक्स के बेस पर क्वेश्चन है, स्टैटिक के बेस पर क्वेश्चन है, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, सब कुछ क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल है और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन हैं। हलवा टाइप बिल्कुल नहीं है, अच्छे लेवल, एक तरह से आप खुद देखेंगे आपको खुद को एहसास होगा कि हाँ लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, ओके ओके। तो प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा, पार्ट वन यानी कि 1-15 से पार्ट वन हुआ, और सेकंड पार्ट आएगा आपका 16-31 जुलाई तक, राइट। ये आपके सेकंड पार्ट में अपन क्वेश्चंस डिस्कशंस करेंगे, ओके। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं कोई डाउट्स हो, कहीं कोई नहीं समझ में आता, तुरंत टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। यह है क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिया था सैटरडे को, आई होप आपने आंसर्स दिया होगा। नहीं देते आंसर तो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत गलत है, प्लीज आंसर जरूर जरूर दें। जीके के क्वेश्चंस जितना अच्छे से आप आंसर देंगे उतना ही अच्छे से आपको अच्छे से याद रहेगा, ओके। क्या कहता है, विच स्टेट हैज लॉन्च साइबर स्पेस राइट, a month long virtual awareness campaigns to make cyber space for women and children। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है राइट जिसने साइबर स्पेस को महिलाओं और पक्षियों के सुरक्षित बनाने के लिए एक आभासी जागरूकता अभियान साइबर्स शुरू किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में 100% ये क्वेश्चंस बनेगा। यह शुरू किया है माय डियर स्टूडेंट्स तेलंगाना स्टेट्स ने, महिलाओं वहां अपने राज्य के जो वुमेन्स है, अपने राज्य के जो चिल्ड्रंस है, उनको जागरूकता, उनकी अवेयरनेस के लिए साइबर्स एक तरह से कंपेनिंग्स लॉन्च किया है उनको जागरूक बनाने के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में आपको नाम भी पूछ सकता है कि तेलंगाना स्टेट्स ने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा कंपेनिंग्स, कौन सा अभियान चलाया है। तो साइबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। तो इसका भी आंसर सी है, तेलंगाना ने चलाया। चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव, ओके। चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तमिलसाई सौंदरराजन राइट, इसकी गवर्नर हैं तेलंगाना स्टेट्स की, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। रायतु बंधु है जो कि आपके तेलंगाना स्टेट्स की गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू की गई है, यह भी आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी राइट,
राइट याद रखिएगा, भैया शाह जगन मोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, फर्स्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो ओपन हुआ था वह आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही ओपन किया था। निघा नामक ऐप, जो इलेक्शंस होते हैं उनमें शराब के प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, यह निघा नामक ऐप से लॉन्च किया गया था इसी के विवश में। ओके, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। कर्नाटका स्टेट्स, कर्नाटका येदुरप्पा जी हैं, राइट, वजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, वजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर यहाँ की कैपिटल्स हैं कि ओके, बुनकर सम्मान योजना, राइट, बुनकर, हिंदी में लिख देता हूँ, बुनकर सम्मान योजना माय डियर फ्रेंड्स कर्नाटका स्टेट्स की है, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, एंड 18th of June को, 18 जून को कर्नाटका है जो अपना मास्क डे के बेसिस पे बनाता है, यह भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, केरला के चीफ मिनिस्टर्स माय डियर फ्रेंड्स पिनराई विजयंस, राइट, पिनराई विजयंस यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, और आपकी आरिफ मोहम्मद, राइट, यहाँ के गवर्नर हैं, यह भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? एक क्वेश्चंस में कितने अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, पार्टिकुलर स्टेट्स के बारे में आपका रिविजन्स भी हो रहा है, तो प्लीज ध्यान से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नेक्स्ट आते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हरेली फेस्टिवल्स। हरेली फेस्टिवल्स है जो कि आपके छत्तीसगढ़ स्टेट्स में बनाया गया है, राइट, बनाया गया है। उसमें गोधन, गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट गोधन न्याय योजना है पूरे ऑल ओवर इंडिया की, फर्स्ट टाइम किस स्टेट्स के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है, गोधन न्याय योजना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ स्टेट की है, और हरेली फेस्टिवल्स भी छत्तीसगढ़ का, यानी कि हरेली त्यौहार फेस्टिवल पूछे तो आपको पूछ सकता है कि हरेली त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो दैट इज द छत्तीसगढ़। क्लियर, गोधन न्याय योजना कौन से राज्य की स्कीम है, तो आपकी छत्तीसगढ़ की है। इसमें पर्टिकुलर जो भी व्यक्ति वहाँ पे, जो किसान है, व्यक्ति है जो गो रखते हैं, उनका जो गोबर होगा वह गवर्नमेंट परचेज करेगी, उसके माध्यम से खाद बनाया जाएगा, राइट, ये पर्टिकुलर स्कीम्स है। ओके, लगभग 2 रुपए के जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, गवर्नमेंट टू प्रोक्योर काउ डंग, राइट, काउ डंग जो गाय का गोबर है, 2 रुपए पर केजी के हिसाब से लाइव स्टॉक्स फ्रॉम ओनर्स, ओनर से खरीदा जाएगा, राइट, इसको क्या कह रहे हैं, रिप्रोपोजिंग्स प्रोक्योर्ड काउ ड्यूरिंग इनटू वर्मल कंपोस्ट, राइट, वर्मल कंपोस्ट यानी कि खाद के बेसिस पे मना, इको फ्रेंडली आइटम्स कुछ बनाए जाएंगे, राइट, तो ये पर्टिकुलर बहुत ही अच्छी स्कीम है गायों को शेप रखने की, राइट, जो गोबर्स के बेसिस पे गवर्नमेंट इस टाइप से परचेज करती है, तो स्कीम्स का एक फायदा उन लोगों को भी पड़ता है जो गायों को मारते हैं, बेच देते हैं, राइट, तो गवर्नमेंट परचेज करी तो फंड आएगा, तो गायों की सेवा अच्छे से हो सकती है। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हरेली फेस्टिवल्स कहाँ है, सेकंड पूछ सकता है गोधन न्याय योजना कौन से स्टेट्स की है, या पूछ सकता है इससे पर्टिकुलर किसके लिए है। ओके, तो ये 2 रुपए किलो गवर्नमेंट परचेज करेगी किसानों से, जो ओनर से गाय के, उनके उनसे गोबर परचेज करेगी, यह भी आप याद रखिएगा। क्लियर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, यह भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूपेश बघेल, और गवर्नर है माय डियर फ्रेंड्स अनुसुईया उइके, राइट, गुरु घासीदास जो फेमस पार्क है ये यहाँ पर, बिलासपुर कैपिटल हो गई आपकी छत्तीसगढ़ की। क्लियर, नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन लेविस अमेरिकन सिविल राइट हीरोज डाई 880, इनका निधन हो गया है, जो कि एक अमेरिकन सिविल राइट्स हीरोज थे, राइट, जॉन लेविस, राइट, उनका देहांत हो गया 80 वर्ष की उम्र में, 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा जॉन लेविस नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री अमेरिकन, एंड सेकेंड इनका प्रोफेशन सिविल राइट हीरोज। ओके, तीनों चीज को नोट करते चलिए, क्योंकि एग्जाम्स में इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। ओके, तो ये तो थी आपकी 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज जो मेरे को लगी कि हाँ इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो मैंने आपके साथ डिस्कशंस की है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो तुरंत
कमेंट बॉक्स में टाइप करें, समझ में आया तो थम्सअप जरूर दे दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चंस। तब तक पानी पी दूं। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड स्मृति वन। कौन सी ऐसी भारतीय की राज्य सरकार है जिसने स्मृति वन, राइट, स्मृति वन ऑन द ओकेजन्स ऑफ हरेला फेस्टिवल्स, हरेला फेस्टिवल्स, हरेला जो उत्सव है उसमें स्मृति वन का उद्घाटन किया है। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है? तो माय डियर फ्रेंड्स, यह है उत्तराखंड की गवर्नमेंट, राइट, उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, उसने हरेला फेस्टिवल्स के बेसिस पे स्मृति वन का एक उद्घाटन किया है, याद रखिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देहरादून यहाँ की कैपिटल हो गई, याद रखिएगा, और विंटर कैपिटल, इसकी समर कैपिटल्स है माय डियरस फ्रेंड्स गियर्सन, राइट, गियर्सन, जो कि अभी नियुक्त तो हुई, अभी बनाई गई है, समर कैपिटल्स गियर्सन, याद रखिएगा। उत्तराखंड के देहरादून में हेलीकॉप्टर समिट आयोजित किया गया था, उत्तराखंड के देहरादून में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क था, वो आपके उत्तराखंड में ही स्थित है, याद रखिएगा। पहला योगा, जो योगा मुस्लिम्स कैंप है, योगा मुस्लिम्स कैंप है, वह आपके उत्तराखंड में ही खोला गया था 21 जून 2020 को, योग दिवस के उपलक्ष में। ओके, तो ये जो कैंप है वह योगा मुस्लिम्स कैंप पहला, ओके, वह आपका उत्तराखंड में ही खोला गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव रीअपॉइंटेड। अगर जिस किसी स्टूडेंट्स ने मेरा सैटरडे का वीडियो देखा है, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि उनके एक बार देख चुके हैं, राइट, न्यूज इसकी देख चुके हैं, आज जो न्यूज पड़ी है उनकी कल अपन न्यूज में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में। रीअपॉइंटेड ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक, राइट, वापस किन को बनाया है आपके श्याम श्रीनिवासन, जो कि एमडी एंड सीईओ, वह किस बैंक के सीईओ एंड एमडी बनाए गए हैं? तो वह है फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं, राइट, वापस, पहले भी थे और अभी भी इनको ही नियुक्त किया गया है। 23 सितंबर 2020 तक यही रहेंगे फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ। ओके, याद रखिएगा, फेडरल बैंक श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी हो गए। एंड आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आपकी फेडरल बैंक, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ओके, ये देख लीजिए कटिंग से आपकी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, फेडरल बैंक ऑन फ्राइडे सैटरडे इट हैज रिसीव्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अप्रूवल्स फॉर द रीअपॉइंटिंग ऑफ श्याम श्रीनिवासन एंड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिल सितंबर 2021 सितंबर 2021। ओके, घरेलू रेटिंग एजेंसी डोमेस्टिक कंपनी है रेटिंग एजेंसी इकरा के माध्यम से भारत की ग्रोथ रेट कितनी परसेंट तक डाउन की गई है, राइट, संशोधित किया गया तो 9.5%, राइट, 9.5%, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी कटिंग से आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में 9.5%। ओके, 5.3% इंडिया रेटिंग्स की है, 5.3%। ओके, ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.5% ये आपकी आईएमएफ इसने फोरकास्ट की है, 4.5%। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में रेटिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस बना सकता है। Who recently became the first woman to head Indians had a listed Indians IT firm? IT firms जो listed IT firm है इंडिया की, पहली महिला कौन सी बनी है उसकी प्रमुख? तो वह बनी है रोशनी नाडर, राइट, रोशनी नाडर को HCL का अध्यक्ष के रूप में एक तरह से बनाया गया है। ओके,
राइट हेड बनाया है एच सी एल्स कंपनी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईटी कंपनी है, उसको रोशनी नाडर को बनाया गया है। यह फोर्ब्स की 2019 की लिस्ट में सबसे शक्तिशाली पावरफुल वुमेन में 54th इसका इनका स्थान था। याद रखिएगा कि कभी कभार एग्जाम्स में क्वेश्चंस घुमा के भी आपको पूछ सकता है। शिव नाडर स्टेप डाउन, शिव नाडर ने इस्तीफा दे दिया। रोशनी नाडर एसोसिएट्स न्यू चीफ है। ये पहले शिव नाडर थे, अब इनकी जगह रोशनी नाडर, ये आप देख सकते हैं, इनको बनाया गया है एसोसिएट्स के चीफ। ओके, केंद्रीय मंत्री एन सीतारमन यानी कि निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट हेल्ड वर्चुअली इन, जो मीटिंग होगी थर्ड G20, जो केंद्रीय मंत्री है G20 में जो भी देश लगते हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर के, राइट। तो अपनी तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमन वह भाग लेगी, तो वह कहां पर आयोजित होगा? ओके, तो यह होगा सऊदी अरब, राइट। सऊदी अरब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सऊदी अरब में अभी जो रिसेंट में होने वाला जो आपकी G20 समिट है, राइट, 15 यानी कि 15वां G20 समिट है, वो सऊदी अरब में ही आयोजित होगा, याद रखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, 13th, 13th, 14th, 14th, 15वां तो आपके सामने ही है, 16वां, राइट राइट, ये 17वां, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में एक क्वेश्चन G20 समिट से पूछ सकता है। ओके, 13वां माय डियर फ्रेंड्स, तो 13th G20 समिट हुआ था, वह हुआ था आपके अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस में, राइट, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस में। 14th आपका हुआ था माय डियर फ्रेंड्स जापान की कैपिटल ओसाका में। 15th अभी आप देख रहे हैं ये सऊदी अरब में होगा, याद रखिएगा। 16th होगा आपका इटली की कैपिटल रोम में। ओके, एंड 17th होगा हमारे एक्सपीरियंस अपने प्यारे भारत में, इंडिया में। 17वां G20 समिट होगा जो कि 2022 में होगा। ओके, 2022 में ये होगा आपका, 2020 में ये होगा, 2021 में जो कि इटली में होगा, और ये इंडिया में होगा 2022 में। ओके, अब 2029 जो कि हुआ था वो आपका जापान में, 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था आपका अर्जेंटीना के ब्यूनस में। रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल G20 समिट जो 21 से 22 नवंबर को होने वाला है, 15वां संस्करण होगा वो सऊदी अरब की रियाद में होगा, कैपिटल्स में होगा। ओके, एंड जो 13वां संस्करण हुआ था 2018 वाला, वह अर्जेंटीना के ब्यूनस में। 14वां होगा आपकी जापान की ओसाका में, जो 2019 को हुआ था। 15वां आपको मालूम है, मैंने बता दिया। 16वां है आपका इटली रोम में, जो कि 2021 है। 17वां एडिशन होगा इंडिया में अपने प्यारे भारत में, 2022 को। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन गारंटी बनाएगा G20 समिट से। ओके, मॉड्यूलस हाउसिंग्स ने आईटी की शुरुआत के लिए, जिसने मेडिकैप नामक एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित किया है, कौन सी आईआईटी कंपनी है? तो वह आईआईटी मद्रास, राइट। आईआईटी मद्रास ने मॉड्यूलर हाउसिंग्स ने आईआईटी कंपनी के साथ शुरुआत की, जिसमें मेडिकैप नामक एक पोर्टेबल लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी कानपुर माय डियर फ्रेंड्स, जिसने मास्टर जी एक विकसित किया है, जबको जो कि बच्चों को एजुकेशन अच्छे से दे सकें। ओके, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बना सकता है। ओके, यह आपका स्थित है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द पोर्ट प्लेयर, राइट। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट प्लेयर में आपका स्थित है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में कंफ्यूज के लिए ये ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं, राइट। तो पोर्ट प्लेयर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड 100% वाटर कनेक्शन टू ऑल द हाउस होल्ड स्टेट 2023।
2023 तक कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो 100% नल का जल कनेक्शन देने प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो वह स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य के 100% जल कनेक्शन देने की निर्णय लिया है 2023 तक। ओके, याद रखिएगा। एक होता है माय डियर एस्पिरेंट्स हिमाचल प्रदेश, जिसने अपने राज्य में 100% गैस कनेक्टिविटी, 100% गैस कनेक्टिविटी जो पुअर्स पीपल्स हैं उनको तक पहुंचा दी है अंडर द उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से। गैस कनेक्शन सभी परिवारों को दे दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, यूएनडीपी की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में भारत ने वर्षों में 273 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, यानी कि 273 पीपल्स मिलियंस पीपल्स को बिलो द पॉवर्टी लाइन से अबव द पॉवर्टी लाइन किया है। कितने सालों में, कितना टाइम्स लगा है, तो टोटल टाइम लगा है 10 ईयर्स, राइट। 10 ईयर्स टोटल इसका टाइम लगा है, राइट। सी इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तुरंत टाइप कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो थम्स अप दे दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट एन एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम्स इन द नेम ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स अरुण जेटली। निम्नलिखित में से किसने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है? कौन से ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने यह स्कीम्स का शुभारंभ किया, कर्मचारी कल्याण योजना? तो वह है माय डियर फ्रेंड्स राज्यसभा सेक्रेटरी, राइट। राज्यसभा सेक्रेटरी ने इस पर्टिकुलर योजना को शुभारंभ किया है जिसमें कर्मचारी कल्याण योजना नाम रखा है, राइट। यह अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं उनके नाम पर होगी। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट है आज का क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सीबीएसई एंड सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन? मनोज आहूजा, अनुराग, अनिता खरवाल एंड खतिका श्रीनिवासन, राइट। प्लीज टेल मी ऑफ आंसर्स, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, प्लीज बताइएगा। ओके, तो ये पूरा वीडियो था, कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशंस हो, सर ये मेरा सजेशन है, इसको इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, जरूर बताइए, योर सजेशंस इज मोस्ट वेलकम। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, आपके लाइक से मोटिवेशंस मिलता है अच्छी वीडियो क्रिएट करने में। और कल का वीडियो जरूर जाके देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए अगर आप ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं, पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, चैनल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। तो एंड अप कर रहे हैं आज का सेशंस, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके फ्रेंड्स, प्लीज कर दीजिएगा, कोई सजेशंस हो तो जरूर टाइप कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, अच्छी न्यूज के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो आपकी प्रिपरेशंस में हेल्प कर सके। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्थी रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच के साथ अपना दिन व्यतीत कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच।